मेरा नाम है नीरज और बिना किसी देरी के हम लोग एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्वेश्चन, 1923 ईस्वी में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की? सो 1923 में चितरंजन दास द्वारा एक पार्टी का निर्धारण किया गया था जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, और वो कहाँ पर निर्धारित की गई थी? इलाहाबाद में। तीसरा क्वेश्चन, चौरी चौरा कहाँ पर स्थित है? तो कह सकते हैं चौरी चौरा गोरखपुर में है, और चौरी चौरा एक कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में, जब 22 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी। और इसी कांड के दौरान जो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था, उस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? सो 1919 में कानून आया था जिसे हम लोग रॉलेट कानून कहते हैं, और यह कानून सिडनी रॉलेट द्वारा बनाया गया था। इस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा गया था, रॉलेट एक्ट। अगला, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? एक मैगजीन स्टार्ट की थी महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में, सो उस मैगजीन का नाम था इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? सो ऑब्वियसली हम लोग इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, करो या मरो का मंत्र महात्मा गांधी ने दिया था, और ये कब दिया गया था? 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट करने के लिए दिया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? सो इस बात को कहने वाले हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था, यानी कि ये कहा था कि एक देश अलग हो मुस्लिमों के लिए, और वह जो देश कहलाया जाएगा वो कहलाया जाएगा पाकिस्तान। सो सन 1946 लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक नए राष्ट्र को बनाने का संकल्प लिया था। और बेसिकली हम लोग एक और बात समझने की कोशिश करेंगे, ये जो पाकिस्तान शब्द है वो किसने दिया था? वो दिया था चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी? सो इस बात को कहने वाले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी। अगला क्वेश्चन, देशबंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? तो देशबंधु की उपाधि से चितरंजन दास संबंधित है। चितरंजन दास बोले तो C.R. दास, इन्होंने ही स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने 1929 का अपना अधिवेशन लाहौर में किया था, और जिसका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज। इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 में गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, इसी आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। अगला क्वेश्चन, किस इंसान को सीमांत गांधी कहा जाता है? सो अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया है, और कब दिया था? 1943 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया गया था? तो हम लोग ऊपर ही बात कर चुके हैं, चौरी चौरा के जो हिंसक घटना हुई थी उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो हम लोगों को पता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन,
और इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो हम कह सकते हैं स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे बदल दिया है और इस काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन, किसे महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। तो हम लोग कह सकते हैं 1918 के अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी ने अपनी भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। हम लोग कह सकते हैं जनरल ओ डायर ने पुलिस वालों से कहा था कि आप बिना किसी सोच समझ के गोली चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो हम कह सकते हैं 1919 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसके द्वारा व्यक्त की गई थी। सो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान जो राष्ट्र की अवधारणा है वो थी चौधरी रहमत अली द्वारा व्यक्त की गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ था, यानी कि वेल्स के जो प्रिंस थे वो भारत कब आए थे। तो हम कह सकते हैं 1921 ईस्वी में, जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने यह नारा कब दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं। यह उन्होंने कहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ और पांव हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्थापना 1920 में हुई थी और इसके सबसे पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे थे 1920 में। इस यूनियन कांग्रेस का शॉर्ट नेम बोलते हैं एटक। अगला क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। सो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा था। सो कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन ने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 ईस्वी का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था। सो 1923 में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था। तो गांधी और अम्बेडकर बीच में पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता 1932 गांधी और अम्बेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं क्योंकि ये 8 अगस्त 1942 को संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। सो अगस्त प्रस्ताव पहली बार 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी जो कि भारत से संबंध रखती थी। अगर यही क्वेश्चन हो कि कांग्रेस की सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट जी जो 1917 में बनी थी। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना कारण किस आंदोलन को निलंबित कर दिया था। तो हम लोग कह सकते हैं चौरी चौरा जो घटना हुई थी उसके बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन,
किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाए जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, जो विदेशी कपड़े होते उनका जलाया जाना। अगला क्वेश्चन, कौन अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के उनके साथ था? तो हम लोग कह सकते हैं ये अमेरिका के रिपोर्टर थे लुईस फिशर, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ थे। अगला क्वेश्चन, चंपारण जनपद में तीन काटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा 1917 में किया गया था, क्योंकि उस समय गांधी जी, उस समय वहाँ के जो लोग थे चंपारण गांव के लोग, उनको बागान मालिकों द्वारा जबरदस्ती खेती कराई जा रही थी, वो भी नील की। सो गांधी जी ने इस जबरदस्ती को रोकने के लिए एक सत्याग्रह किया जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। सो तीन काटिया किससे संबंधित है? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/20 जो भाग है आपकी ज़मीन का उस पर आपको नील की खेती करनी, ये आपको ज़बरदस्ती कराई जाती थी बागान मालिक द्वारा। तो इसी को हम लोग कहते हैं तीन काठिया पद्धति। अगला क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे पहली बार गिरफ्तार हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान की संरचना के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो हम लोगों को पता है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक हत्याकांड हुआ था, जिसे हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह हम लोगों को पता है 1930 को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को, और इस सत्याग्रह की शुरुआत नमक तोड़ो आंदोलन से हुई थी, और नमक तोड़ो आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, वो किससे संबंधित था? वो संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि 6 अप्रैल 1930 में यह आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये गांधी जी का दूसरा ऑल इंडिया मूवमेंट था। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई थी? संघीय संरचना मतलब सेंट्रल संघीय संरचना की गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत पहली बार भारतीयों के लिए संघीय संरचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? अगला क्वेश्चन, सो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? सो मीरेबिन ने लॉर्ड इरविन को और महात्मा गांधी को दो महात्मा कहा था। अगला क्वेश्चन, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है, किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना है, यह कथन किसका? यह कथन है महात्मा गांधी का, ऑब्वियस सी बात है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला अपना असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था, वो भी महात्मा गांधी द्वारा।
अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर बी आर अंबेडकर की मृत्यु 1956 में हुई थी। इन्होंने बौद्ध धर्म बाद में अपना लिया था। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया था? तो ट्रायल का मतलब उनकी सुनवाई कब कहाँ पर हुई थी? पीटर्सबर्ग में। अगला क्वेश्चन, किस मिशन भारत में कब आया? तो भारत में ये आए थे 1942 में। अगला क्वेश्चन, भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली और उनके भाई द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा आरंभ किया था? सो हमको पता है 1917 में गांधी जी ने एक सत्याग्रह किया था जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह 1917। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ऑब्वियसली बात है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु कौन थे? पॉलिटिकल टीचर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने राम राज्य का युगल सिद्धांत किया था सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया था? उन्होंने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश 1919 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन, किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है? ऑब्वियसली बात है अहिंसा जब भी बात है तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा किसने जोड़ा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो कह सकते हैं महात्मा की जो उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कब दी थी? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किसको देशभक्तों का राजकुमार कहा था? तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार कहा था। अगला क्वेश्चन, जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होगा, ये विचार किसका था? सबको पता है कि महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग कर केवल लंगोटी धारण की थी? उन्होंने की थी 1921 में। अगला क्वेश्चन, लौह पुरुष की संज्ञा किसको दी जाती है? तो ऑब्वियसली बता हमारे देश के आयरन मैन है सरदार पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 में हुआ था। और ये कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता के बाद, जिसमें कोई भी समझौता नहीं हुआ और गांधी जी वापस लंदन से भारत आए और उन्होंने दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? हमको पता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1920। अगला क्वेश्चन, इंडिया फॉर इंडियंस, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? चित्रंजन दास द्वारा। इंडिया फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए भारत, ये किताब जिसका नाम है इंडिया फॉर इंडियंस, इसके लेखक चित्रंजन दास या फिर सी आर दास। अगला क्वेश्चन, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जनरल डायर वही हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, इनकी हत्या ऊधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत में 1928 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? दीनबंधु के नाम से विख्यात है सी एफ एंड्रयूज। आखिरी क्वेश्चन, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का उल्लंघन किया था? तो गांधी जी ने लगभग 385 किलोमीटर चलकर नमक कानून नमक कानून का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी, किसके द्वारा? सी आर दास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुर्ती के नाम से कौन जाना जाता है? लाल कुर्ती के नाम से खुदाई खिदमतगार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1919 से पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी?
तो सर की उपाधि ब्रिटिश ने दी थी, किसको दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर को, उन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी, और ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय वायसराय कौन था, तो हम कह सकते हैं उस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता, तो हर्मिट ऑफ शिमला ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था, तो प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुए थे वो था दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन बने थे, दादाभाई नौरोजी 1886 में, 1893 में और 1906 में। 1906 में जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो इन्होंने अपना एक नारा दिया था, स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेशन इन द मेकिंग, इस पुस्तक को किसने लिखा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो थे लॉर्ड लिट्टन ने ये भूमिका निभाई कि लोगों के अंदर असंतोष बढ़ गया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिट्टन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 से घटाकर 19 कर दी गई थी, जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है उस समय उन्होंने 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था, ये कब किया था, 1878 ईस्वी में। इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट विल विवाद उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संघ के संस्थापक कौन थे, भारत संघ के संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, तो ऑब्वियस बात है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था, दादाभाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी यह अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, हमको पता है WC बनर्जी, यानी कि ब्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी। एक और क्वेश्चन, किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया था, उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसे हंसी उड़ाई, डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह एक राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं, यह कहा था एल्गिन सेकेंड ने। सो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, उम्मीद करता हूँ ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अभी समय हो रहा है 12:10 और मेरे को जैसे ही समय मिला मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की, दिन पे दिन समय दर समय वीडियो दर वीडियो मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी इम्प्रूव करता जाऊंगा, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। खासकर मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनका एग्ज़ाम 13 नवंबर को है, खासकर जिनकी भर्ती सिख लाइट आर्मी में है 13 नवंबर को। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड गुड नाइट।